नमस्कार। देश में चुनाव हो रहे हैं 18वीं लोकसभा के, मतलब 2024 में कौन लोग कौन सी पार्टी चुनाव जीतकर हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगी और उन पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे क्या हैं, अगर आप जानना और समझना चाहेंगे तो आपकी आंखें आपकी नसें टेढ़ी हो सकती है। टेढ़ी इसलिए हो सकती है क्योंकि चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं और मुद्दा अगर आपके खाने पीने और पहनने का हो जाए तो समझिए कि हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां क्या सोचती हैं और वोटरों को वो क्या मानती हैं। क्योंकि आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमारा देश में इतना बड़ा देश है और तरह तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के विभिन्न धर्मों के लोग यहां रहते हैं और सबसे बड़ी बात कि एक ही पार्टी में कुछ लोग बोलते हैं कि बीफ खाना मना है और एक ही पार्टी के मतलब बीजेपी के ही कुछ इलाकों में अगर आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो वहां लोग बोलते हैं कि नहीं बीफ खाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा कि नवरात्र के समय में कुछ लोग नॉनवेज खा करके और उसका वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और हमें इनको सबक सिखाना है। मतलब सोचिए, मतलब ये कि वो चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं कि नवरात्र का समय चल रहा है नॉनवेज का वीडियो क्यों पोस्ट कर रहे हैं। और ये वीडियो पोस्ट किया था किसने, अभी हाल ही में बिहार में आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी ने, वो 8 तारीख मतलब कि 9 तारीख के पहले, 9 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहा है और 8 अप्रैल को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि अपने एक सहकर्मी मुकेश सहनी के साथ में हेलीकॉप्टर में लंच करते हुए मछली बनाकर आए थे मुकेश सहनी, जो इंडिया गठबंधन में ज्वाइन किया अभी हाल ही में, उन्होंने एक पोस्ट जारी किया था और पोस्ट जारी हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लपक लिया। अब लगभग लिया मतलब ये कि उसको मुद्दा बना दिया। आप समझिए कि मुद्दा बना दिया, चलिए आपने अपने वोटरों को तो कह दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खाने पीने को लेकर क्या हमारे देश में यही एक मुद्दा बनेगा। प्रधानमंत्री जैसे पद के नेता अगर ये बात बोलेंगे, वो भी बिना सोचे समझे, क्योंकि ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तेजस्वी यादव ने लेखते ही पूछा था, बोला था कि मैंने कुछ लोगों के आईक्यू टेस्ट के लिए ये वीडियो डाला था, ये वीडियो है 8 अप्रैल को मतलब नवरात्र के एक दिन पहले का। आपको पता है कि बंगाल में भी हमारे बिहार के दरभंगा इलाके में भी ये मछली का जो है और जो नॉनवेज होता है वो परंपराओं में शामिल है। आप अगर बंगाल जाएंगे तो वहां मछली नवरात्र में भी लोग खाते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो वहां तो बीजेपी के नेता भी मीट खाते हैं, वो कई जगह नवरात्र लोग नहीं मनाते हैं क्योंकि इस देश में बहुत धर्मी लोग रहते हैं। और आप कभी किसी नेता पर ये कहें कि आप फलाने समय में आप ये खाना क्यों खा रहे हैं और ये मुद्दा बन जाए, क्योंकि अभी जो एक सीएसडीएस और लोक नीति ने जो सर्वे किया है उसमें मुद्दा कुछ और आता है। मुद्दा आया है वहां पर कि बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार ये सब मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जनता के मन में ये सब मुद्दा बहुत आगे है। जो सीएसडीएस का सर्वे आया है उसके हिसाब से मुद्दे कुछ और होने चाहिए। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में लगातार बार बार राम मंदिर का जिक्र करते हैं, वो इस बात को उठाते हैं कि रामलला का जो टेंट था पहले मंदिर नहीं बनने से वहां बारिश में भीग जा रहा था, इस बार रामनवमी बढ़िया से मनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन मंदिर तो बन गया ना, मंदिर बनने के बाद अब जो आने वाले समय में देश का विकास कैसे होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा और हमारे देश में बेरोजगारी महंगाई और भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के अभी हाल ही में इलेक्ट्रल बॉन्ड के भी आंकड़े आए थे, उस पर प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल मुंह अपना बंद रखे हुए हैं। यहां तक कि मीडिया भी इस खबर को नहीं बताती है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए कैसे कैसे घोटाले किए गए हैं, घोटाले इस सेंस में
क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देने का जो तरीका है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके ड्रग जो ड्रग बनाती थी दवा बनाती थी उसकी दवा जो है टेस्ट में फेल हो गया था लेकिन वो इलेक्ट्रल बॉन्ड की जगह चंदा देता है और वो फिर वो ड्रग पास हो जाता है। उसी तरह से कई ऐसी कंपनियां हैं जिसका मुनाफा कुछ भी नहीं है और वो करोड़ों का चंदा दे रही है। तो कहीं कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू साफ साफ दिखाई पड़ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी इलेक्ट्रल बॉन्ड को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि इससे पारदर्शिता की कमी है और लोगों को जानने का यह अधिकार है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा किस उद्योगपति ने दिया और उसके फेवर में क्या उसने उसको फेवर किया और फेवर करने की बात को लेकर ही ये याचिका दायर की गई थी। और अब जो डाटा सामने आ रहा है उससे तो साफ हो रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का खेल के पीछे किसी को लाभ देना था और लाभ देने की जो लिस्ट आ रही है जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई मुद्दा नहीं, प्रधानमंत्री या बीजेपी के कोई नेता या मीडिया कहीं पर उसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है कि नवरात्र में आप नॉन वेज और वेज का मुद्दा बनाया जा रहा है। तो क्या 400 का आंकड़ा पार करने के लिए मोदी जी के पास बस यही सब मुद्दे बचे हुए हैं? एक सवाल उठता है मन में, इसलिए क्योंकि 400 का आंकड़ा आपने यूं ही हवा में उछाल दिया, उसके पीछे कुछ तैयारी होगी। आप अपने कामकाज के बारे में बताएंगे कि हाँ मैंने ये काम किया है मुझे इस पर वोट मिलेगा, पब्लिक को देना चाहिए। लेकिन पब्लिक से अगर पूछा जाए, क्योंकि जो सर्वे आया है उसमें ये बता रहा है कि भ्रष्टाचार पिछले 5 सालों में काफी बढ़ा है, इस देश में 55% लोग मैंने आधे से अधिक लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद बेरोजगारी का है मुद्दा आता है, फिर महंगाई है। अभी एक और रिपोर्ट आई थी कि देश में 80-82% युवा लोग बेरोजगार हैं, उसमें पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस देश में मुद्दे को बार बार शिफ्ट किया जा रहा है, उसके गोल पोस्ट को चेंज किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है आप समझिए, क्योंकि वोट हमें और आपको देना है। नेताओं का तो काम है अपना भाषण देना और फिर घर चले जाना, जीत गए तो भी बल्ले, हार गए तो भी बल्ले। क्योंकि आप देखिए कई नेता चुनाव हार जाने के बाद भी मंत्री पद पा जाते हैं। आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव हार गए थे विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो, लेकिन उनको विधान परिषद के जरिए उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। एक और थे दारा सिंह चौहान, घोसी में चुनाव हार गए थे फिर भी उनको मंत्री बना दिया गया। तो लोकतंत्र का एक तरह से यही नेता लोग, यही पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग मजाक बनाते हैं, वोटरों के मन की बात नहीं सुनते हैं। वोटरों का मुद्दा क्या है या मुद्दा क्या होना चाहिए लोकतंत्र में, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी का धरती है भारत हमारा, और इस भारत में मुद्दा क्या बनाया जा रहा है कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे। आप समझिए इस बात को कि इस चुनाव में बार बार वोटरों के मन में ऐसी ऐसी बातों को लाया जा रहा है जिसका देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि खान पान और धर्म ये बिल्कुल निजी विषय है। दुनिया के तमाम देशों में हर धर्म के लोग रहते हैं, अपने देश में भी हमारे देश में भी हर जाति के हर धर्म के लोग रहते हैं और समान अधिकार से रहते हैं। ऐसे में किसी पर टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ये एक तरह से गलत परंपरा की शुरुआत है और मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री लगातार बार बार राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि सीएसजीएस के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से ये जो मुद्दा है लोगों की नजर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको सुनिए, सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। उसके बाद 27% लोगों ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया है कि लोग इसी मुद्दे पर वोट देंगे। बेरोजगारी के बाद महंगाई दूसरा बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है, इसमें महंगाई को 23% लोगों ने कहा कि यह मुद्दा है, चुनाव में इसका मुद्दा रहेगा। विकास को 13% लोग मानते हैं कि यह मुद्दा है कि हाँ किसी ने विकास किया है या विकास नहीं किया है, तो 13% लोग मानते हैं कि विकास को आधार मान करके हम वोट करेंगे।
वोटरों के मन के पीछे क्या है उस पर एक सर्वे आया है, वही मैं आपको बता रहा हूं। भ्रष्टाचार को लोगों ने कहा कि 8%, मतलब कि सोचिए कि भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही है उसमें वोटरों के पास भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं लग गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा हो, अभी रामदेव का मामला भी अभी सामने में है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। अयोध्या में राम मंदिर का जो मुद्दा है वो 1% है, हिंदुत्व को 2% और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को 2% और आरक्षण को 2% लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। ये जो सर्वे आया है सीएसडीएस और लोकनीति ने हिंदू अखबार के साथ मिलकर के सर्वे किया है। समझिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इसमें, बेरोजगारी 27% मुद्दा है और प्रधानमंत्री के भाषणों में आप बार बार राम मंदिर और अभी जो ताजा मामला आया है कि नॉनवेज त्योहारों में आप नॉनवेज क्यों खाएंगे, मतलब समझिए कि खान पान से लेकर हर इशू को टच किया जा रहा है, उसको उभारा जा रहा है, जबकि पब्लिक सर्वे पब्लिक के मन में ये सब बातें नहीं आती। और मजेदार बात क्या है कि जिस वीडियो के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, हालांकि एक और वीडियो के बारे में लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी जब लालू के पास गए थे तो उसमें भी मटन बनाते हुए वो फोटो और वीडियो आया था, दोनों को संदर्भ मिला करके प्रधानमंत्री ने इस पर विपक्ष पर एक करारा हमला बोला है, ऐसा अखबार और मीडिया और तमाम चैनल बता रहे हैं। करारा हमला, जी हाँ, बेरोजगारी पर करारा हमला नहीं किया है, महंगाई पर करारा हमला नहीं किया है, नॉनवेज मुद्दे पर करारा हमला किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, ऐसा मीडिया में आप हर जगह देखेंगे, कल हेडलाइन में देखेंगे और हर चीज पढ़ेंगे। लेकिन जो पब्लिक चाहती है और पब्लिक के मन में क्या है ये मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। 27% लोगों ने 27% लोगों ने कहा कि नहीं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अब वाकई इस देश में इस वक्त बेरोजगारी की दर, बेरोजगारों को संख्या अगर देखा जाए तो काफी पहले से बड़ी है। और इसी सर्वे में लोगों ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार काफी बढ़ा है पिछले 5 सालों में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साहब 400 आंकड़ा पार करने के लिए मुद्दे को बार बार शिफ्ट कर रहे हैं, या यूं कहिए कि गोलपोस्ट चेंज कर रहे हैं कि आप यहां छुएंगे यहां पकड़ेंगे, विपक्ष अगर हमारे बेरोजगारी पकड़ेगा तो मैं नॉनवेज बता दूंगा, अगर बेरोजगारी अगर विपक्ष महंगाई की बात करेगा तो मैं उसको राम मंदिर का और टेंट वाला बात बताऊंगा। ये है चुनाव का खेल। मैंने सिर्फ आपको एक सर्वे की रिपोर्ट बताई और प्रधानमंत्री के आज का भाषण का वो वीडियो का संदर्भ बताया कि प्रधानमंत्री बार बार मुद्दे को चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं ये आप समझिए। आपको वोट देना है, हमें वोट देना है, वोट कैसे देंगे, आपके मन में क्या आता है, आप वोट देने के पहले क्या सोचते हैं, या आपके आपके विचार से किन आधार पर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को वोट मिलना चाहिए या कैंडिडेट को वोट मिलना चाहिए, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। नमस्कार।